दोस्तों आज हम अपना हेरो एचएफ डिलेक्स पर लगातार 170 किलोमीटर यात्रा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए आगे तक। और हमारा जो भी दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल शो हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं, इतना पेट्रोल है और ये थोड़ा ज़्यादा बताता है, ठीक है, मीटर कभी सही नहीं बताता है। ओके, और बाइक को देखिए सीधा किया तो ये पेट्रोल कम बताएगा। ओके ठीक है, और यहाँ पे जो किलोमीटर है देखिए, हमने जब शुरू किया हुआ तब यहाँ पे लास्ट 990 था, ठीक है, और आगे देखेंगे। और अभी हमारा जो तेल है वो दोस्तों यहाँ पे ऑन में है, सही बता रहे, पूरी हमारी आधी टंकी है। तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट 4 लीटर पेट्रोल है। अब हमारा आगे जो आएगा वो फ्लोदी आएगा, जो कि अभी यहाँ से 52 किलोमीटर है। और हम यहाँ पर गाड़ी में यदि देखें किलोमीटर मीटर, तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम करीबन 70 किलोमीटर पार कर चुके हैं। और अभी तेल की बात करें तो दोस्तों काफ़ी सारा हमारा तेल अभी भी पड़ा हुआ है, और अभी भी हमारी गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन में ही है, ठीक है। यानी हमारा हेरो एचएफ डिलेक्स का माइलेज दोस्त काफ़ी अच्छा है। अभी हमने यहाँ पे रोका है और थोड़ा गाड़ी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम वापस चलाने वाले हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा तेल थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, बाकी तेल उतना ही पड़ा है अभी। यानी ये करीबन हमारा दोस्तों 70 का माइलेज दे रही है, यानी 65-70 का माइलेज दे रही है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया इसका माइलेज है। तो फाइनली हम अपनी जगह पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आप दोस्तों किलोमीटर मीटर में देख पा रहे हैं कि अभी हमारा यहाँ पे 42,165 है, यानी करीबन हमने 173 यानी 173 किलोमीटर ट्रेवल किया है। और यदि पेट्रोल की बात करें तो दोस्तों हमारा बाइक करीबन 50 किलोमीटर पहले हमारी बाइक रिजर्व में आ गई थी, यानी अभी इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल है। जब हमने रवाना हुए थे तो करीबन 4 लीटर पेट्रोल था, यानी इसने 3 लीटर पेट्रोल खाया है 173 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो आप इसका दोस्तों माइलेज देख सकते हैं कि इसने हमारा कितने का माइलेज दिया है। ओके, और दोस्तों हमें जो टाइम लगा वो हम बता दें, अभी 9:30 हो रहे हैं, ठीक है, 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। हम 4 बजे रवाना हुए थे, बीच में रुके दोस्तों कई जगह, और हम बिल्कुल आराम से आए इसीलिए लेट हो गए, ज़्यादा टाइम लगा। बाइक में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से अभी भी